अन्वितः मनुष्यो मतरसः ॐ लोकानसे यह जो यज्ञ का आयोजन अनुष्ठान का आयोजन है ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में महामारी निवारणार्थ ये जो अनुष्ठान का आयोजन किया गया है ये विश्वविद्यालय का ये दायित्व तो बनता है कि सरकार ने इस महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जो हमारे भारतीय दर्शन में या मानवीय जो इतिहास है मानवीय जो संरचना है उसमें महर्षि वाल्मीकि जी का अद्वितीय योगदान है। महर्षि वाल्मीकि का आश्रम न केवल तपस्या के लिए था बल्कि वो समाज को एक गति देने का भी था। उसमें बहुआयामी व्यक्तित्व के जो सच्चरित्र और तपस्वी और जनसेवक वहाँ से निर्मित किए गए जहाँ लवकुश जैसों को शिक्षा दीक्षा शस्त्र की शिक्षा भी वहाँ शास्त्रों के साथ साथ दी गई है। तो ऐसे महर्षि वाल्मीकि के नाम से जो सरकार ने विश्वविद्यालय की स्थापना की है तो विश्वविद्यालय का ये ऐसे जो वैश्विक महामारी का स्वरूप लिए हुए है इसके निदान के लिए इसके उपाय के लिए विश्वविद्यालय ने अनेक प्रयास किए जिन प्रयासों में एक व्याख्यान माला का आयोजन भी किया गया जिस व्याख्यान माला के तहत इस कोरोना महामारी के जो प्रासंगिक और समसामयिक विषय है इस पर हमने निवेदन किया था माननीय इंद्रेश जी से। तो माननीय इंद्रेश जी ने अपने व्याख्यान से इस विश्वविद्यालय को उस व्याख्यान माला को सुंदर स्वरूप और एक अद्भुत गति प्रदान की एक ऊर्जा प्रदान की और उसी के अंतर्गत हम जब मिले माननीय इंद्रेश जी से तो उन्होंने मुझे एक और सुझाव दिया जो समाज हित के लिए जनहित के लिए और एक विश्वविद्यालय का नैतिक दायित्व भी बनता है कि भाई विश्वविद्यालय में चूंकि वेदों का अध्ययन अध्यापन होता है और वेद एक कर्मकांड वास्तु ज्योतिष आदि से विभूषित ये सब ग्रंथ हैं और इन ग्रंथों के लिए ही इस विश्वविद्यालय की संरचना है। तो इस ग्रंथों का उपयोग तो प्रायोगिक पक्ष यदि देखा जाए तो वेदों का क्या है यज्ञ और हमारे जितने भी कार्य हैं वो यद्यपि यज्ञात्मक हैं तो इसलिए इस महामारी के निवारणार्थ अथर्व वेद में एक कृमिनाशन सूक्त आता है उस सूक्त को संकलित करते हुए इस यज्ञ का आयोजन किया गया है जो 23 तारीख को इसका समापन होगा। आज ये उद्घाटन सत्र है और ये जो जैसा कि ये आपने प्रश्न किया कि ये यज्ञ ये अनुष्ठान माननीय इंद्रेश जी के मार्गदर्शन में उनके सुझाव पर और ये विश्व में एक इस महामारी से कैथल तो है ही कैथल तो इस महामारी से शीघ्र निजात पाएगा ही इस यज्ञ के द्वारा क्योंकि इसमें ये जो हमारी जो आयुर्वेदिक औषधियां हैं उन औषधियों का प्रयोग करते हुए और सरकार के जो नियम हैं वो दूरी बनाए रखना सोशल डिस्टेंस रखते हुए स्वास्थ्य विभाग के जो निर्देश हैं उनकी अनुपालना करते हुए ये नवदिवसीय और पंचकुंडीय ये अनुष्ठान आज आरंभ हुआ है। इसमें आप सब आए आपने सिखा भी हार्दिक शिक्षण की गतिविधियां या सामाजिक कार्यक्रमों की गतिविधियां एक तरह से समाप्त प्राय हैं लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है दूसरों को भी आगे बढ़ाना है भयभीत नहीं होना है वो रोग से
डरना है, रोग से बचना है, लेकिन रोगी को संभालना भी हमारा कर्तव्य है। तो ये हमारा समाज संभले, आगे बढ़े, इसलिए ये अनुष्ठान का आयोजन किया गया। इस यज्ञ अनुष्ठान में उपस्थित विश्वविद्यालय के कुलपति श्री श्रेयांश द्विवेदी जी, अन्य जब मानवीय जनसंख्या बढ़ने लगी तो ईश्वर ने अपनी संरचना में विचार किया, इस ज्ञान को लिपिबद्ध और लिखित भी होना चाहिए। जो इसकी प्रथम लिपिबद्धता की गई, इसको लिखित किया गया, अर्थ सहित, उसको सृष्टि के अंदर चार वेद कहते हैं। इस समय और उस समय का वेदों के रूप में प्रकट होने पर प्रभु ने एक मानवीय रूप का अवतार लेना था श्री राम के रूप में। धरती पर जो भी ऋषिगण, विद्वान, वैज्ञानिक उपस्थित थे और ज्ञान और विज्ञान के श्रेष्ठतम प्रतीक थे, जिन्होंने अपने अनुभव से ज्ञान और विज्ञान को साधा था, ऐसे महर्षि वाल्मीकि को प्रभु ने अपना रामायण कहते हैं, जो ऐतिहासिक भी था, सामाजिक भी था, भौगोलिक भी था, अर्थ नीतियों का भी था, शासन प्रशासन संचालन भी था, समाज व्यवस्थाएं, व्यक्ति परिवार से लेकर संसार की कैसी होनी चाहिए, जड़ चेतन के रिश्ते कैसे होने चाहिए, ये सब उसके अंदर व्याख्यित हुआ। अगर कहना हो, धरती पर अगर महर्षि वाल्मीकि नहीं होते तो संसार को, मानव समूह को, विश्व को रामायण, राम और राम नाम उपलब्ध है। राम नाम तारणहार है, राम सब कष्टों का निवारण है, रामायण उसका एक प्रकट प्रकाशित सुगंधित। इसलिए महर्षि वाल्मीकि के नाम पर विश्वविद्यालय प्रतिष्ठित होना ये सरकार की राजनीतिक सांस्कृतिक जीवन मूल्यों के पुनर्प्रतिष्ठा का एक कुशल नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। व्यवस्था को मानते हैं वो विद्वान नहीं, अज्ञानी है, वो मनुष्य नहीं, पापी है, वो धर्म नहीं करते, सत्कर्म नहीं करते, अधर्म और कुकर्म करते हैं।